जय हिंद। गाड़ी है निशान की किक्स। ये गाड़ी नेपाल नंबर से आई है मेरे पास। इनका कहना है कि गाड़ी मैं लेकर के आपके पास ठीक कराने के लिए आया हूँ, वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, चलाने में कुछ दिक्कत आ रही थी, हाई स्पीड में गाड़ी थोड़ी बबलिंग कर रही थी, ब्रेक ढंग से लग नहीं रहा है। तो पहले भी कई गाड़ियाँ वहाँ होकर के गई हैं, उसी चीज़ को देखते हुए उन लोगों से टाई अप हुए बात करके और यहाँ कार ठीक होने के लिए आई है नेपाल से दिल्ली। तो सही मैंने भी चला के देखा, गाड़ी तो है भाई दमदार मज़ेदार है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी चलाया लगभग, यहाँ तो 125 तो चला नहीं सकते क्योंकि जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, पर मैंने अपने हिसाब से चलाया और चलाने के बाद खोल करके देखा कि इसमें क्या क्या हो सकता है। 125 चली है तो दूर से आई है गाड़ी, इस तरीके से करना ताकि 1,00,000 किलोमीटर दोबारा चल जाए। वही विश्वास लोग करके आते हैं और वही मैं करने जा रहा हूँ और वही करके दूंगा, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। पैसे तो लोग देते हैं और भरपूर टाइम भी देते हैं, तो काम हम अपनी तरफ से 100% लगाने की कोशिश करेंगे, जितना बेस्ट हो सकता है वो करेंगे। मैंने गाड़ी को पहले चला के देखा और कोई एस्टिमेट नहीं बताया। जब गाड़ी खोल लिया मैंने बोला सर मैं आपको बता करके एस्टिमेट नहीं दे कर रहा हूँ, दिखा करके देता हूँ, देखने के बाद जो आपको लगेगा आप वो बताना। तो मैंने जो दिखाया सबसे पहले ब्रेक के मामले में वो क्या निकला डिस्प्ले और पैड मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने पहिए इसको खुलवाया चारों, तो सामने डिस्प्ले जो इसका निकला था आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कट गया है, बहुत ज़्यादा, मतलब 50% इधर से कट गया। यहाँ से अगर हाथ रखेंगे ना ऐसे करके तो पता चलेगा कितनी मोटी लाइन है। देखिए सेम दूसरी तरफ से बहुत ज़्यादा कट चुका है। तो इसी तरीके से दोनों डिस्प्ले बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो ब्रेक पैड तो हमें चेंज करना होगा, डिस्प्ले है टर्निंग होने वाली नहीं है, हाई स्पीड की गाड़ी है तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। और मैं आगे दिखाता हूँ, अभी देखिए क्या कंडीशन है इसकी। ये देखिए मिट्टी भरी पड़ी है बहुत ज़बरदस्त। गाड़ी दमदार है, अपने ताकत पे दम से चल तो रही है, लेकिन जो माइलेज देना चाहिए जब तक इसको पूरा प्रॉपर एयर नहीं मिलेगा इंजन को तब तक माइलेज सही तरीके से देगी नहीं। तो ये जितना अच्छा क्लीन होगा उतनी ही अच्छा माइलेज देगी। अगर सही मायने में अगर हम मुंह बंद कर देंगे ना, किसी सांस नहीं ले पाएगा तो दिक्कत आएगी। तो इसका कुछ कंडीशन इस तरीके से है। और मैं आगे दिखाता हूँ, फिर मैंने इसका खोला सस्पेंशन शॉकर, वो दिखाता हूँ किस तरीके से खोला, क्या निकला और क्या डालने जा रहा हूँ मैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। फिर मैंने इसका लास्ट में सस्पेंशन खोला, जैसे बाहर से देखा ना तो शॉकर की कंडीशन कुछ इस तरीके से, जैसे ये बफर है ये फट गया। अगर हम कस्टमर को कई बार वैसे बताते हैं ना कि भाई आपकी गाड़ी का शॉकर ख़राब है, तो सही मायने में क्या चीज़ है वो चीज़ नहीं समझ में आती है। तो ये मैंने दिखाया कि बफर फट गया, इसका बफर कुछ इस तरीके से होता है। ये तभी फटता है जब इसका प्रेशर बिल्कुल डाउन हो जाता है और गड्ढे में जाती है गाड़ी, तो सारा का सारा वेट इस पर आ जाता है बॉडी का और ये फट जाता है। जिस गाड़ी के फट रहा है समझ लीजिए शॉकर ख़राब होने वाला है, हो ही रहा है। ये देखिए ये शॉकर जो मैंने दबाया इसको, ये तो बहुत तेज़ी से दबाने के बाद तब जाके अंदर जाएगा और काफ़ी तेज़ी से बाहर आ रहा है, ठीक है। और पुराना वाला शॉकर जब खोल करके दबाया दब तो गया, वो मैं बता रहा हूँ अभी तक, कल दबाया था अभी तक तो बाहर ही नहीं आया। चिमटा तो इसको बिल्कुल ठीक है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका बुश और ये गोली जो कट गई है ये बिल्कुल लूज हो गई है, ये कंट्रोल नहीं कर पाती, तो ये मैंने ओरिजिनल मंगा ली, मैंने इसमें कुछ करना है। ये डल जाएगा तो चिमटा बिल्कुल ओके हो जाएगा, बूस्ट डलेगा एकदम बढ़िया हो जाएगा, फर्स्ट क्लास हो जाएगा। इसी तरीके इसका डिस्प्ले जो कट गया था, तो मैंने बोस कंपनी का ओरिजिनल जो सबसे बेस्ट है वो मैंने मंगा लिया है। ब्रेक शू का कंडीशन देखेंगे कुछ तरीके से, किसी ने हैंड ब्रेक को टाइट कर दिया था ताकि ब्रेक पहाड़ों में अच्छी लगे, सबसे ज़्यादा हैंड ब्रेक की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि आधा ब्रेक शू पकड़ रहा है आधा पकड़ ही नहीं रहा है, फिर भी गाड़ी चल रही थी, ऐसा कुछ सामने नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैंने चलाया महसूस किया नोट किया तो मुझे लगा नहीं ये चीज़ खोलना चाहिए, और खोला तो ये सामने निकला जो सामने रिपोर्ट है। जब तक इसकी पूरी पकड़ बराबर नहीं होगी ना तब तक हैंडब्रेक की सेटिंग सही होगी नहीं, सही मायने में टाइट तो हो जाएगा लेकिन वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। अब आप इस प्लेट को देख सकते हैं कितना फ़र्क है इसमें और उसमें, बिल्कुल प्लेन है। कहते हैं ना कि जब तक एक अच्छी चीज़ के सामने एक और अच्छी चीज़ ना रखो तो पता नहीं चलता कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा। ये देख सकते हैं कितना कटा हुआ है, गाड़ी चल रही थी बिल्कुल बढ़िया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आगे चल करके ना बहुत बड़े बड़े नुकसान करती, फिर आती है दिक्कत। जो है आयरन वाल्व एंड ये भी कट गया है पूरा, लूज हो गया है। तो ये पूरा का पूरा सारा का सारा सेट मैं मंगा रहा हूँ, और मंगा करके देखिए ओरिजिनल डालो निशान का। दूर से आई है ना गाड़ी तो जितना बेस्ट बोला है वही करके दे रहा हूँ और ओरिजिनल सामान डाल रहा हूँ। जैसे आप शॉकर देखेंगे मोरनो कंपनी का, ये कंपनी लगा के देती है, और उसी के साथ इसमें अगर माउंटिंग नहीं बना हुआ है इसका माउंट, तो मैं शॉकर माउंट गैब्रियल का डाल रहा हूँ, ये भी ओरिजिनल है चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, गाड़ी चलने में कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्लास। लेकिन जब इसका बेल्ट उतार के देखा तो रीडिंग के हिसाब से देखिए यहाँ से कटा हुआ है,
ऐसा करके देखते जाइए, हाँ कहीं ना कहीं मिलेगा बिल्कुल गड़बड़ी। ये कभी भी रास्ते में टूटती है और एसी चलना बंद हो जाती है, गाड़ी भी गर्म हो जाती है, पावर स्टीयरिंग भी हार्ड हो जाता है। तो ये चीज़ें ना जब रीडिंग हो जाए तो इसको कर लेना चाहिए। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कस्टमर से डिसाइड करके बात करके इनका टाइमिंग बेल्ट भी बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1.25 लाख इसके लिए ठीक ठाक चल गई है गाड़ी, उसको भी हमें बदलना होगा। तो अपना काम है कि पहले खोलना और एक एक चीज़ को चेक करना, डायग्नोस करके तब पार्ट्स को डालना। इस काम में कम से कम 2500 रुपये उनका बच जाएगा और बिल्कुल शानदार गाड़ी तैयार हो जाएगी नए की तरीके से, 1 लाख किलोमीटर के लिए तैयार। किस तरीके से काम कर रहा हूँ एक एक चीज़ पूरा डिटेल में दिखाऊंगा, क्योंकि दिल्ली में गाड़ियाँ बहुत कम हैं। इसका नाम बताओ तो गाड़ी का इमेज नहीं आता जल्दी से, किस गाड़ी है नहीं, लेकिन जिनके पास है इस वीडियो को देख करके आप डिसीजन ले सकते हो और इस तरीके से काम करा सकते हो। पीछे का ब्रेक तो मैंने कर दिया कंप्लीट, ये पूरा इसको चेंज कर रहा हूँ। चेंज करने का मेरा मकसद यह है कि नेपाल उपाल में बताते हैं ज़्यादातर लोग पहाड़ी है और रास्ता ख़राब है, इसमें हैंड ब्रेक सही लग नहीं रही थी, आधे ब्रेक इतने ब्रेकों पे चल रही थी, ये जो बिल्कुल साफ पड़ा हुआ ऐसा कैसे था। तो इसको सही करने के लिए मैंने ब्रेक से तो नया डाला है लेकिन साथ में ड्रम टर्निंग कराया। अगर ये टर्निंग नहीं कराता ना जिसपे क्या है बेस बराबर बन नहीं पाता और उसकी वजह से आती है दिक्कत। तो ये तो मेरी आदत है, चाहे छोटी हो चाहे गाड़ी बड़ी हो मैं ये तो करता ही हूँ। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका फिनिशिंग हो गया, बिल्कुल साफ़ कर दिया। यहाँ पे हल्का सा तेल लगाना होगा, हमने एडजस्टर अपना तेल से हमने रमा कर ही दिया है। अभी क्या होगा ऑटोमेटिक अपने आप इसको एडजस्ट करेगा, बस इस तरीके से बिजली इसको बिजली गया। अब जरा एक भैया बिल्कुल फ्री एक पॉइंट पे खींचना, भैया हो गया बिल्कुल जाम एकदम, अप डाउन करना ठीक है ना, फर्स्ट क्लास। मतलब कि दूर से आने का यही फायदा है कि कोई तार को मैंने एडजस्ट नहीं किया है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं किया है, जो जेन्युइन तरीके से कंपनी का होता है, ब्रेक शू डाला, ड्रम को टर्निंग कराया और एक नंबर का ब्रेक हो गया फर्स्ट क्लास। अब चलेगी गाड़ी लगभग 1 लाख किलोमीटर चलाओ, 50,000 किलोमीटर पर अगर एक बार खोल के साफ करा दिया जाए, एडजस्टर रमा हो जाए ना, तो जल्दी ख़राब भी नहीं होता और चलता रहता सही मायने में। यही काम करने का तरीका ऐसे करता हूँ, इसलिए दूर से लोग आते हैं। ये देखिए रियर ब्रेक शू हो गया पूरा कंप्लीट, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। ये रियर वाला सॉकर है जो काफ़ी टाइम के बाद बदला जा रहा है पहली बार, ये तो ख़त्म ही है, इसको ऊपर आना चाहिए तेज़ी से, ये चेंज हो गया, ये हमने डाल दिया है पूरा कंप्लीट नया। इसमें बफर और बूस्ट समेत आता है, सेफ्टी के लिए ये लगाया होता है, जैसे आगे लगा होता है वैसे पीछे भी लगा होता है, ये नया डल गया, ये भी लंबे टाइम के लिए गाड़ी ठीक हो गई। आगे का मैं दिखाता हूँ सॉकर किस तरीके से, सॉकर पूरा कंप्लीट नया डाल दिया, इसका किट नया डाल दिया, माउंट नया डाल दिया, स्प्रिंग पुराना है तो ये विदाउट स्प्रिंग आता है और हम इसको कंप्लीट करके अपने तरीके से बिल्कुल नया तरीके से बना के कर देते हैं। बाकी पीछे का सॉकर तो आपने देखा ही है, ये वाला आगे वाला एक बार बैठा तो मतलब बिल्कुल ख़त्म ही पड़ा, ऊपर आएगा ही नहीं, इसलिए मैंने इसको पूरा का पूरा बदल दिया। अब आगे सस्पेंशन का एंड, वॉल जेंट, लिंक एंड और बूस्ट किस तरीके से फिट होता है, पुराने और नए में फ़र्क क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ और फिटिंग करता हूँ। ये स्टेयरिंग का वाल जेंट है जहाँ से अलाइनमेंट होता है, ये चीज़ें इसको हम तब बदलते हैं जब ये लूज हो जाता है। देखिए ये लूज हो गया ना, ये हिल रहा है, तो ये हाई स्पीड में क्या होता है कई बार कंट्रोल नहीं करता, गड्ढे में आवाज़ आती है, तो इसलिए हम इसको बदल रहे हैं, ओरिजिनली है। इसमें फ़र्क कितना होता आप देख सकते हैं, ये है तो हम हाथ से घुमाएंगे ना तो हाथ से नहीं घूमेगा, जैसे ये घुमाना चाहिए ये घूमेगा नहीं, ये काफ़ी टाइट है, यहाँ बॉल होता है
और चलते 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 कट जाता है और कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। ये मैं बदल रहा हूँ, मतलब चलती हुई गाड़ी का, दूर से आई है, ऐसा ना हो कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम करिए। अभी चाहते थे हम थोड़ा बहुत चल सकता था, बट ये टाइम से बदला जा रहा है, मतलब बिल्कुल सही टाइम। जो बेटाइम वाला काम होता है इस तरीके से होता है, देखिए जब इतना कट जाता है ना तो ये फिर रिस्क हो जाता है ऊपर नीचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी गाड़ी का ऐसा हो तो तुरंत बदलो, क्योंकि चलते चलते कई बार निकल जाता है। अक्सर हमने देखा हुआ है, अब तो नहीं लेकिन पहले वाली गाड़ियों में इंडिका उंडिका क्या होता, निकल कर कैसे पहिया साइड में रोड पे होता था, गियर ऑयल निकल जाता था, मतलब बीच में ही गड़बड़ हो जाता था सारा कुछ। इसीलिए उन चीज़ों को देखते हुए ऐसा ना होने पाए और इसी कंडीशन में हो, कट जाए, तो आप इसको बदल सकते हो। ये लंबे टाइम के लिए आपकी गाड़ी ठीक हो रहेगी और आप भी सेफ रहोगे, आपकी गाड़ी भी ठीक रहेगी। टायर का अलाइनमेंट होता है इसी से, तो टायर भी आपकी गाड़ी का बिल्कुल ठीक चल सकता है। तो आगे का ब्रेक भी हमने कर दिया फिट, ब्रेक पैड क्लीन करके लगा दिया है, डिस्प्ले नया डाल दिया, सौकट डल गया, लिंक कैन डल गया, बुश भी डल गया, मतलब पूरा का पूरा सस्पेंशन हो गया एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, लंबे टाइम के लिए बिल्कुल कर दिया स्ट्रांग। अब मैंने इसका तेल निकाला है। ये बाहर गाड़ियां चलती है, वहां के लोगों का क्या है फ्लैशिंग वगैरह मुझे नहीं मालूम कैसे क्या करते हैं, लेकिन मेरे पास आई है तो मैं तो अपना वही तरीका अपनाऊंगा, पुराना ही सिस्टम अपना रहा हूं। गाड़ी बेशक दूसरी है, तेल निकालने के बाद मैं इसको कर रहा हूं फ्लैशिंग। इससे पहले धुलाई करूंगा पूरा इनसाइड और फिर उसके बाद स्टार्ट करके फ्लैशिंग करके फिर नया ऑयल डालूंगा इसमें। तो इसमें मैं 3 लीटर डालूंगा, 2 लीटर तो मैंने ये डाल दिया है क्योंकि पता नहीं कभी हुआ फ्लैशिंग की नहीं, क्या हुआ क्या नहीं, तो थोड़ा क्वांटिटी तो होना चाहिए ना। 2 लीटर था, 1 लीटर अलग से। स्टार्ट करके थोड़ी देर गरम करके फिर इसको निकाल करके फिर ऑयल डालता हूँ। देखो ये है सब जो मेरे पास आए हुए, मतलब क्या नाम है, उधर से नेपाल से ना, नेपाल। इसका नंबर मेरे को नहीं पता, क्या नंबर है वैसे इसका? है नेपाली नंबर 23 और 900। हाँ। मैं इसलिए मैं करूँ, इतने दूर से आते तो मैं आपकी गाड़ी बहुत अच्छा करता हूँ, मैं बता रहा हूँ, दिल लगा के करता हूँ। वैसे आप हंसमुख आदमी हो, जिसके साथ बैठते हो उसका मन खुश हो जाता है। तो ऐसे लोगों का काम करने मेरे को और मजा आता है। ब्रेक का काम किया बढ़िया शानदार। और आपका क्या नाम है? शंकर। शंकर भाई, अच्छा मैंने मान लो ब्रेक काम कर दिया और भौजी को बिठा के लेके जा रहे हो, 120 की 30 की स्पीड में चल रहे हो, ब्रेक हो गया, टन सर्विस हो गई, सस्पेंशन हो गया, मजा आ गया है ना। और एकदम से 120 की स्पीड में अगर ब्रेक मारना पड़ जाए और तीन लोग आगे आ जाए, एक 8 साल का बच्चा, एक 28 साल का जवान, एक 80 साल का बुढ़ा, किसको मारोगे सबसे पहले? ब्रेक मारेंगे। बहुत शानदार है, मैं बता रहा हूँ। देखो सही हकीकत है। पिछली बार कोई आया था नेपाल से, जब उनसे मैंने पूछा तो वो कह रहे हैं भाई मैं बुढ़े को मारूंगा। मैंने बोला यार इतना पैसा लगाने के बाद और इतना दूर से आने के बाद गाड़ी का इस्तेमाल करो, माइंड का इस्तेमाल करो, दूसरे को नुकसान ना पहुंचाओ। तो हम भी वही चाहते हैं आपकी गाड़ी का काम अच्छा हो, जितना बढ़िया हो सके। और आप कितनी गाड़ी मेरे ठीक करा चुके हो? 2 गाड़ी, एक तो क्रेटा का ही है और एक ये कर रहे हो, और जो अभी पीछे आई थी एक और गाड़ी एस क्रॉस हो गई। उससे पहले एक आपके थ्रू कोई रेफरेंस आया था स्कॉर्पियो लेके, एक नेक्स्ट। ये सारी गाड़ियां उधर से आ रही और होकर के जा रही है। कोई कंप्लेंट तो नहीं किया ना आपको? शिकायत तो नहीं किया? काम ऐसे करते रहो तो कहीं कंप्लेन कोई करेगा? काम बढ़िया होना है। करूंगा बढ़िया। काम बढ़िया होना है। यही मेरा सजेशन जो है, कस्टमर का फीडबैक सामने मिलता है। मैं बता रहा हूँ, खुद भी आते हैं और 400-600 लोग को लेके आते हैं।
इसका मडगार्ड है जो डेंट पड़ गया है। कई बार नई गाड़ियां आती हैं, जैसे दिखाई दे रहा है लाइन लाइन सी, ये दिल्ली से आ रहा है, यहाँ तो कोई भी गाड़ी में मतलब नई गाड़ी लेकर के आते हैं लोग शोरूम से और यहाँ तक एक्सेसरी लगाते लगाते ही घर तक पहुंचते डेंट पड़ जाता है। तो हमारे पास कुछ ऐसे बंदे हैं जो एक्सपर्ट हैं, जो ड्राई डेंटिंग निकालते हैं, जैसे आप देख सकते हो ये सारी चीजें हैं, इसको इतना बढ़िया फिनिशिंग कर देंगे कि पता नहीं चलेगा। तो इन सब चीजों में होता फायदा क्या, छोटा सा टक लग गया तो अगर पेंट कराओ तो सबसे पहले ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है, फिर उसके बाद डेंटिंग करो, फिर उसके रबिंग करो, करते करते 2-3 दिन लग जाता है, फास्ट काम हो जाता है और क्वालिटी का काम आता है ड्राई डेंटिंग में। लेकिन ये हर आदमी नहीं कर पाता, जो स्पेशलिस्ट होते वही करते हैं। तो यहाँ आने का फायदा एक तो ये हुआ कि ये सारी चीजें प्रॉपर हो जाता है। तो लास्ट ऑफ काम इसमें जो है मेरा रह गया इंजन ऑयल डालना, जो मैं इसमें IFD7 डाल रहा हूँ फुल्ली सिंथेटिक में। ये मैं बड़ी गाड़ियों में डालता हूँ, दूर से आई है इसलिए इसमें डाल रहा हूँ, नहीं तो ज्यादातर तो मैं 530 डालता हूँ। ठीक है, तो इस गाड़ी के लिए ये ज्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि गाड़ी बार बार आनी नहीं होती है, फ्लैशिंग भी कर दिया है, तो जितना बेस्ट ऑयल हो सकता वो करना है वो मैं कर रहा हूँ। और इसमें 4.5 लीटर इंजन ऑयल डलेगा, फिलहाल 3.5 लीटर की पैकिंग ये है जो मैं इसमें डाल रहा हूँ। तो लगभग मैंने सारा काम कंप्लीट कर दिया मैकेनिकल के A to Z। लेकिन दूर से आती है गाड़ी, दुल्हन बन के जाए तो ज्यादा बढ़िया है। देख रहे हैं किस तरीके से इसकी वॉशिंग होती है, पूरा 6 फुट ऊपर उठा करके जितनी ज्यादा मिट्टी होती है सारा निकालना होता है, बहुत हाई प्रेशर होता है पानी का, जितना गंद होता सारा निकल जाता है। उसके बाद फिर बाद में पॉलिश होगी और गाड़ी किस तरीके से एकदम चमाचम करके जाएगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारी चीज हम खुद करके देते हैं, बट वही है इसमें टाइम और पैसा तो लगता ही है भाई। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी आई थी और किस तरीके से होके जाएगी, ये सामने काम हो रहा है। तो अपनी क्विक्स हो गई बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास, चलने में एकदम बढ़िया हो गई। मतलब जो कस्टमर का कहना था कि लगभग 1,25,000 किलोमीटर चल गई है, अभी कुछ कराया नहीं है, सर्विस हुई है, उसी गाड़ी को देखते हुए जब खोल के देखा तो सारा पार्ट सामने आया, उसका काम किया, काम करने पर रिपोर्ट भी काफ़ी अच्छी आ गई है, ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा हो गया है, पिकअप बहुत ही शानदार हो गया, गोली की तरह चल रही है गाड़ी, एकदम ऐसे उठ रही है। तो सौकर वगैरह खत्म था ना, उसकी वजह से और अच्छा परफॉर्मेंस हो गया। अब ये गाड़ी मेरी तरफ से बिल्कुल डन हो गई है, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। बाकी छोटी मोटी चीजें हैं उसको मैं फाइनल करता हूँ और गाड़ी रवाना करता हूँ। पिताजी के समान है, एज में ज्यादा है, ऐसे लोगों से सीख करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, सही मायने में इनकी फीडबैक से। आप खुद सुन सकते हैं ये मेरे से कितनी गाड़ी ठीक करा चुके हैं और अपने सामने कराए, पैसे दिया, सब कुछ पूरा दिया, इज्जत मान सम्मान के साथ पूरी गाड़ी मैंने कंप्लीट करके दिया। सर आप बताइए गाड़ी का काम कैसा लगा जो आपने देखा? नहीं, काम तो बढ़िया ही लगा, पहले भी 2 गाड़ी हमारी काम कर चुके हैं, उसी बिहेव पे तो इसको भी लेके आए हैं, आगे भी ठीक करेंगे ऐसा उम्मीद लेके जा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक होगा। तो उतने दूर से कोई आ रहा, सर विश्वास कहते हैं जिसे विश्वास टूटता है ना तो रात का नींद हराम हो जाता है। और हमारे यहाँ शंकर भाई हैं जो गाड़ी चालक, इधर आइए, आपने गाड़ी चला के देखा? बढ़िया है, बढ़िया है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं, आपके मुस्कान से पता चल रहा है कि गाड़ी ठीक हो गई है। नहीं, अभी तक दुल्हन की तरह बन के जा रही है, जो भी चीज करना था सारा कुछ कर दिया,
अब गाड़ी चलाओ और इंजॉय करो, फर्स्ट क्लास माइलेज निकालेगी, ब्रेकिंग सिस्टम ठीक हो गया, और जा करके ये वीडियो देखना जो बन रही है आपके सामने, और इसको जो भी लगे आप बताना, ठीक है ना? ठीक है।